Today in this video we are talking about what are infusion pump and how we use in operation theater and outside the other department of the hospitals let's start an infusion pump is a medical device used to deliver fluid such as medication nutrients or fluid into a patient body in controlled manner they consist of a programmable mechanism that regulates the rate and volume of fluid delivery. ensuring precise dosing according to the patient's need, infusion pump came in various type, including syringe pump, volumetric pumps, and ambulatory pumps. each design's are specific use. they play important role to maintaining patient stability and improving the efficiency of the healthcare delivery. Iska matlab hai, कि जो इन्फ्यूज़न पंप है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम किसी भी मेडिसिन को किसी भी न्यूट्रिएंट्स को किसी भी फ्लूड्स को पेशेंट को पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे सकते हैं यानी कि इसमें डोज हम सेलेक्ट करके पेशेंट को दे सकते हैं जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है दूसरा ये कई अलग अलग साइज़ के होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वोमेट्रिक पंप भी होते हैं एम्बुलेट्री पम्प भी होते हैं उनके अलग यूजेज़ हैं ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पेशेंट की स्टेबिलिटी और उसको प्रॉपर डोज देने में क्योंकि जितनी पेशेंट को डोज की रिक्वायरमेंट है और वो दवाई उसको लंबे समय तक अगर आपको देनी है तो वो मेडिसिन आप इन्फ्यूजन पंप के थ्रू ही उस पेशेंट को दे सकते हैं इन दिस वीडियो स्टार्ट इन्फ्यूजन पंप बाय द स्टाफ दिस बटन इज स्टार्ट टू इन्फ्यूजन पंप एंड नाउ इसके बाद हमको इस पर सिरिंज इंस्टॉल करनी है देखिए किस तरह से लगाते हैं इसमें सिरिंज का अगला पोर्ट और पिछले हिस्से को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं इसमें 50 एम की और 20 एम की दोनों सिरिंज लगा सकते हैं बट हम यहाँ पे 50 एम की लगा रहे हैं ये बहुत कम्फर्टेबल है इसके साथ इस तरह से आप सिरिंज फिट करेंगे यहाँ से आप पेशेंट्स की डोज एक बार ग्रीन बटन दबाएंगे उसके बाद पेशेंट की आप डोज सेलेक्ट करेंगे इन्होंने टू एम एल पर आवर सेलेक्ट की है और उसके बाद इस लाल वाले बटन को आप दोबारा से दबाएंगे और फिर आप इसकी डोज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं ग्रीन वाले बटन को प्रेस करके आप फिर से उसके डोज़ को स्टार्ट कर सकते हैं अगर हमें डोज़ बढ़ानी है तो हम उसी तरीके से ग्रीन वाले बटन से स्टार्ट करते हैं लाल वाले बटन से स्टॉप करते हैं फिर डोज़ को बढ़ाते हैं और यहाँ पे मैं आपको ड्रॉप दिखाऊंगा क्योंकि तो हमने डोज़ को बढ़ाया है तो आपको किस तरह से ड्रॉप मेडिसन की निकलती हुई दिखाई देगी यहाँ पे ये देखिए ये आ गई आपकी ड्रॉप यानी कि आप इन्फ्यूज़न पंप के थ्रू अपनी जितनी भी डोज सेलेक्ट करेंगे वो उतनी ही डोज उतने मिनट में या उतने घंटे में आपके पेशेंट को डिलीवर करेगा अब आपको डोज कम करनी है तो रेड बटन को प्रेस करिए उस बटन से डोज को सिलेक्ट करिए और ग्रीन बटन से प्रेस करके डोज को चलाइए इसमें जो ऊपर वाला बटन है वो आपका सेलेक्ट का बटन है सबसे ऊपर जहाँ पे इनकी फिंगर रखी हुई इससे सब सुपर फोर्थ नंबर का अब हम क्या करते हैं इसमें आप अपने पेशेंट को बोलस भी एक साथ यहाँ से दे सकते हैं बोलस देने के लिए आपको क्या करना होता है मैंने इनको सिखाया था लेकिन ये अभी भूल गए हैं थोड़ा सा तो मैं आपको बताता हूँ ऊपर सेलेक्ट का बटन जो इन्होंने अभी दबाया इसको प्रेस किया ये मैंने प्रेस किया है इन दोनों बटन को सिलेक्ट करके प्रेस करना होता है साथ में तब जाके आपका बोलस देता है अब ये क्या कर रहे हैं हमें नीचे दो बटन सबसे नीचे जो दो बटन हैं सिलेक्ट करने के बाद उन दोनों को प्रेस करना है तभी आपको बोलस देता है ये बार बार ऊपर वाले सिलेक्ट बटन को और नीचे वाले बोलस बटन को दबाए जा रहे हैं तो ये मेडिसिन डिलीवर नहीं कर रहा है अब ये दोनों इसको दबाए हैं इन्होंने देखिए तो अब वहां से उसने पॉइंट बढ़ने शुरू हो गए वन टू थ्री फोर फाइव ऊपर से एक बार सेलेक्ट करिए और नीचे से बोलस वाले बटन को मेडिसन को दोनों बटन को एक साथ दबा दीजिए आपके बोलस ड्रग देता है इसके बाद अगर आपको डोज को कम ज़्यादा करना है तो रेड वाले बटन को प्रेस कीजिए और दवाई की जो डोज़ है उसको कम ज़्यादा करके ग्रीन बटन से दबा दीजिए अगर आपको इस डोज़ को पॉइंट्स के अंदर लेके जाना होता है तो वो भी इसमें सेलेक्ट हो जाता है आप इसी वाले बटन को यहाँ से फिर दबाएंगे ये अभी दिखा रहे हैं आपको इन्होंने फोर पे डोज को सेलेक्ट किया या मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से अगर आपको दवाई की पोटेंसी को कम करना है तो आप किसी बच्चे में अगर इन्फ्यूजन पंप चलाते हैं वहां पे किस तरह करेंगे स्टॉप करके ये इन्होंने इसको बंद कर दिया है